गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। यस बेटा गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस योर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्सरसाइज 3.2 बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस पॉइंट नंबर 1 2। इसके हमने ऑलरेडी 1 2 3 4 मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए गए हैं। लेट्स पॉइंट नंबर 3 भी डिस्कस किया गया था। ओके आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि इससे पहले की क्लास में सारे पॉइंट मैंने क्लियर किया था, जिसमें गिवन क्या था, लुक एट द फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, वन इज डन फॉर यू। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 ऑलरेडी मैंने क्लियर कराया था, बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। ओके दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे। ओके इस पॉइंट नंबर 5 को ही डिस्कस करना है। सर इसमें स्टेटमेंट क्या है? यस सर। इसका स्टेटमेंट कह रहे हैं इन्होंने बताया, गुंजन एंड वसीम फाइंड अ बेंट रॉड व्हाइल प्लेइंग। गुंजन से दैट रॉड इज बेंट एंड ऑब्ट्यूस एंगल, बट वसीम क्लेम्स दैट इट इज बेंट एट रिफ्लेक्स एंगल, हु इज राइट? बेटा ये आपको बताना है कि ये जो बेंड किया गया रॉड, ये दो लोग हैं, इसमें दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, इस चीज को लेकर डिस्कशन हो रहा है कि इस चीज को लेकर गुंजन और वसीम आपस में इस चीज को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं, ये रॉड जो बेंड किया गया है, एक ने बताया, गुंजन ने बताया, ये ऑब्ट्यूस एंगल पे बेंड किया गया है। तो वसीम ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, ये जो है बेंड हुआ है ऑन रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, इन्हीं रिफ्लेक्स एंगल पे बेंड किया गया है। तो बताइए हु इज राइट, कौन सही है, गुंजन और वसीम? यस सर। गुंजन और वसीम? गुंजन और वसीम। बेटा मेरे अकॉर्डिंग तो बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही है। सर क्यों? अंदर देखिए ये बेंड किया गया सही है, ये ऑब्ट्यूस एंगल पे ही बेंड किया गया अंदर से, अगर आप देख पा रहे हो तो अंदर की तरफ बेंड किया गया है ऑब्ट्यूस एंगल पे ही, इसके अकॉर्डिंग तो गुंजन करेक्ट है। बट अगर वो कह रहा है सर बाहर से देखा जाए तो बाहर से कौन से एंगल पे हुआ होगा, रिफ्लेक्स एंगल, बाहर से कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो बोथ आर करेक्ट, यहाँ पे कह सकते हैं सर बोथ आर करेक्ट। क्यों ऐसा क्यों, बोथ आर करेक्ट? बोथ आर करेक्ट। व्हाई सर? इट इज अकॉर्डिंग टू गुंजन, इट इज बेंट ऑन ऑब्ट्यूस एंगल फ्रॉम इंटीरियर, यानी इंटीरियर से अगर देखा जाए तो ये सर ऑब्ट्यूस एंगल पे ही बेंट किया गया सही है। बट अकॉर्डिंग टू वसीम इट इज बेंट ऑन रिफ्लेक्स एंगल, एट रिफ्लेक्स एंगल फ्रॉम एक्सटीरियर ऑफ दैट एंगल, मीन्स इस एंगल का अगर हम एक्सटीरियर देखें तो यहां पे एक्सटीरियर को एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो रिफ्लेक्स है, लेकिन बात कर रहे हैं बेंट पे, तो सर मुझे लग रहा है गुंजन की हुई करो बेटा, बिकॉज बाहर की बात नहीं कर रहा वो, बाहर पे कौन से एंगल पे नहीं बेंट, अंदर की तरफ कौन से एंगल से बेंट हुआ है ये फाइंड करना है। तो गुंजन इज करेक्ट, इज करेक्ट, गुंजन इज करेक्ट। ऐसा बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन तो देना नहीं है, ओनली इसमें ये देखना था कि कौन से एंगल पे अंदर से बेंड हुआ, तो अंदर से बेंड होने का एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो ऑब्ट्यूस एंगल है, तो गुंजन इज करेक्ट। हु इज राइट? गुंजन इज राइट। ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6 की। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। Yes. इन्होंने कहा सर अमित इज फेसिंग द ईस्ट डायरेक्शन, ही टर्न्स 3 राइट एंगल्स टुवर्ड हिज लेफ्ट, व्हिच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। देखिए पहले सबसे पहले वो कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा था स्टार्टिंग में, अमित इज फेसिंग द ईस्ट डायरेक्शन, बेटा इनिशियल में यानी कि स्टार्टिंग में वो डायरेक्शन सर फेस कर रहा था ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया। सर यहां से उसने क्या किया, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं ठीक है, तो ये हमारा
राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। मींस अगर इसके लिए ईस्ट की तरफ 10 जो लाइन है या कोई भी डायरेक्शन है, ठीक है, इसका लेफ्ट क्या होगा, व्हिच डायरेक्शन इज लेफ्ट ऑफ ईस्ट। अगर ईस्ट की तरफ डायरेक्टेड है तो उसका लेफ्ट कौन सा होगा, नॉर्थ होगा या साउथ होगा, लेफ्ट कौन सा पोर्शन होगा? वेस्ट। आप खुद सोचो, आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो आपके लेफ्ट में क्या आएगा, नॉर्थ होगा या साउथ होगा आपके लेफ्ट में? बेटा ऊपर जाओगे या नीचे आओगे ये बताओ पहले, बस इतना बताओ। नॉर्थ साउथ से कंफ्यूज हो रहे हो तो ये बताइए, अप साइड मूव करेगा या डाउन साइड मूव करेगा? अगर ये लेफ्ट टर्न लेता तो कहां से डायरेक्शन में टेंड होगा? बातें समझ में नहीं आ रही है? डाउन। नो बेटा, आप लोग शायद अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं। ये इसका इस डायरेक्शन में टेंड, अब इसका सर लेफ्ट कौन सा था? ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। आप थोड़ा सा क्लियर हो जाइए, ये लेफ्ट है और ये राइट है। अगर ऐसे हम खड़े हैं तो ये हमारा राइट हो जाता है और ये लेफ्ट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? हमारा लेफ्ट हैंड किधर है? इधर ही है। तो लेफ्ट अपसाइड हो जाएगा, डाउन साइड क्या आ जाएगा, राइट। तो ये आपका राइट हो जाता है और ये लेफ्ट राइट। बट हमें इन्होंने कहा सर ही टर्न्स 3 राइट एंगल्स टूवर्ड हिज लेफ्ट। ये 3 राइट एंगल्स टर्न हुआ तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट टर्न इसका कौन सा होगा? फर्स्ट टर्न होगा यहां से ये वाला भाई, यहां से लेफ्ट टर्न लेगा ये लेफ्ट टर्न हो गया सर, फर्स्ट लेफ्ट टर्न। अब ये नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा था सर, नॉर्थ। अगेन यहां से वो अगेन टर्न लेगा क्योंकि 3 राइट टर्न लेता है वो, अभी तो 1 राइट टर्न हुआ ना, सॉरी 3 लेफ्ट टर्न लेता है तो ओनली 1 लेफ्ट टर्न हुआ यहाँ पे। अब यहां से सेकेंड टाइम ये लेफ्ट टर्न लेगा तो नॉर्थ में जा रहे हो बेटा, तो नॉर्थ का लेफ्ट कौन सा होता है? अगर आप नॉर्थ की तरफ टेंड हो तो उसका लेफ्ट कौन सा होगा? लेफ्ट मेरी बात आप लोगों को तो क्लियर नहीं हो पा रही है क्या? समझ नहीं आ रही चीजें? आप ये आप जो नॉर्थ में फेस कर रहे हो इस समय, नॉर्थ भूल जाओ, अपसाइड हो, अपसाइड का लेफ्ट कौन सा होगा और राइट क्या होगा ये आप देखो। तो उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है तो इसके लेफ्ट में जाने का मीन्स ये वेस्ट डायरेक्शन को फेस करेगा। कौन से डायरेक्शन को? वेस्ट को। यहां से अगेन जो राइट टर्न लेगा, सॉरी मतलब टर्न लेता है ऑन लेफ्ट, तो ये इस तरफ से फेस करने लगेगा वेस्ट डायरेक्शन को। अभी बात बनी नहीं सर, फिर से ये टर्न होगा लेफ्ट, इसका टर्न ये नीचे आ जाएगा, ये लेफ्ट डायरेक्शन। अब आपको ये बताना है फाइनली ये कौन से डायरेक्शन में टेंड हुआ है, फाइनली कौन से डायरेक्शन में है ये? ईस्ट। ईस्ट है। ये कौन सा डायरेक्शन था? ये कौन सा डायरेक्शन है? अगर ये नॉर्थ है ऊपर वाला तो इसके नीचे क्या होता है? साउथ। ये साउथ। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। आपको क्लियर नहीं था क्या ये पॉइंट? ऐसे ही तो डायरेक्शन को शो किया जाता है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। आपने कहा सर ये डायरेक्शन जो शो कर रहा है ये साउथ का है, कौन सा डायरेक्शन कर रहा है? तो इन विच डायरेक्शन इज इट टर्न साउथ करें, व्हिच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, व्हिच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? साउथ। साउथ। व्हिच डायरेक्शन? साउथ। साउथ। बात समझ में नहीं आई? साउथ। अगर ये आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो इसको प्रैक्टिकली करके देख लेना। पहले आप खुद सोच लो कि मैं ही हूँ, और उसके बाद जैसे जैसे उसने बताया, पहले आप ईस्ट में जाना, ईस्ट किधर होता है आपके, जैसे आप नॉर्थ को फेस कर रहे हो उसके राइट में ईस्ट होता है,
फिर ईस्ट डायरेक्शन में टर्न हो जाना, वहां से लेफ्ट टर्न लेते हुए आप देखोगे, आप जो खड़े हो जाओगे लास्ट में आफ्टर 3 टर्न, तो ये देखोगे साउथ में फेस कर रहे होगे। कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहे होगे? साउथ को। ओके साउथ, यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 7 में इन्होंने कहा सर रीना इज फेसिंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। देखो सी टर्न्स राइट एंगल टुवर्ड्स हर लेफ्ट, तो डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ। नॉर्थ ईस्ट होता क्या है, चलो आपको क्लियर कर देता हूं डायरेक्शन एग्जैक्टली कैसे शो करते हैं। लेट से ये आपने ड्रॉ किया और दूसरा इस पे यू टर्न करके, ओके तो चलिए यहां से ये हो गया। नेक्स्ट आफ्टर दैट इसके लिए भी ड्रॉ कर लो सर, यहां से ऐसे कर लेते हैं और ये लाओ, इसको जल्दी से सेट कर लो नहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। यहां से इसको लाके हमने सेट कर लिया सर, कौन सा यहां से ये, चलो फटाओ उसको हो गया। अब क्या करना है सर, डायरेक्शन शो कीजिए, डायरेक्शन को पॉइंटिंग कर लेते हैं, डायरेक्शन में मार्किंग करेंगे। दिस इज नॉर्थ, ये नॉर्थ होता है सर, अब जस्ट अपोजिट ऑफ दैट साउथ, इसी के अपोजिट में होता है यहाँ साउथ। आपने कहा सर ये साउथ होता है तो ये तो ईस्ट होता होगा, बिल्कुल ईस्ट होता है, और ये सर ये वेस्ट होता है। इन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट, वेयर इज द नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट, इसके मिड में ही तो है यहाँ पे, ये नॉर्थ ईस्ट में मैं सुनने का मतलब क्या, यही तो है, और ये जो लाइन है ये नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ठीक है नॉर्थ ईस्ट मतलब ये, इसी को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। स्टार्टिंग में जो रीना थी इसकी यही इसी डायरेक्शन को फेस कर रही थी, सी टर्न्स एट अ राइट एंगल टूवर्ड्स हर लेफ्ट, वो राइट एंगल पे टर्न लेती है हर लेफ्ट, बेटा ये इसका डायरेक्शन था, यहां ऐसे फेस कर रही थी, यहां से राइट एंगल का जो टर्न होगा वो कैसे होगा, अब मैं दिखाता हूं राइट एंगल का टर्न कैसे होता भाई। राइट एंगल का टर्न होता जैसे आप यहां थे इस डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, यहाँ पे फेस कर रहे थे और आप टर्न होके ऐसे फेस करने लगे इस डायरेक्शन को यहाँ पे, तो ये राइट टर्न हो गया। कौन सा टर्न है, 1 राइट एंगल का टर्न हो गया, यानी इसके बीच में कितने का एंगल बना, 90 का एंगल फॉर्म होता है। तो ऐसे ही यहाँ से 1 राइट एंगल अगर ये टर्न लेना है तो इसके जहां से ये है उससे 90 का एंगल फॉर्म हो जाए, तो वैसे में 90 का एंगल जानते कैसे बनेगा, यहाँ से ये टर्न होगी तो 45, अगर देखो आप सही से देख पा रहे हो तो ये इसके इसके बीच में इस लाइन के और इसके बीच में कितने का एंगल बन रहा है सर, 90 का, कितने का 90 का, दोनों 90 का है कि नहीं है, यस सर, यानी इट मीन्स अगर यहां से ये अपने जो डायरेक्शन को फेस कर रही थी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, वहां से वो राइट एंगल का 1 टर्न लेती है हर लेफ्ट नॉट राइट,
बेटा लेफ्ट में लेती है, मैंने राइट कर दिया, ठीक है। ये इसका राइट है, ये इसका क्या है, राइट। बात करें तो ये इधर टर्न होगी, ये इसका लेफ्ट है, लेफ्ट में टर्न होगी, वन राइट एंगल, तो यहां से फॉर्म होगा एंगल ये वाला, ये यहां पहुंच जाएगी। सर ये क्या कर दिया आपने? हाँ बेटा जी, ये यहां पहुंच जाएगी और ये इस डायरेक्शन को फेस करने लगेगी। कहने का मतलब ये इस कौन सा डायरेक्शन होगा, कुछ डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ बेटा, कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट ऐसा बोल सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इसी डायरेक्शन को फेस करेगी आफ्टर नॉर्थ वेस्ट वन राइट टर्न एट राइट एंगल। ओके, यानी अगर एक राइट एंगल का वन राइट टर्न सॉरी लेफ्ट टर्न लेती है तो यहां से ये जो इसका फेस होगा वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा। ओके, रीना इज फेसिंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, सी टर्न्स एट राइट एंगल टूवर्ड्स हर लेफ्ट, व्हिच डायरेक्शन इज सी इज, व्हिच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, व्हिच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, नॉर्थ वेस्ट, कौन सा? नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो बातें क्लियर हो गई बेटा, आई होप यू पॉइंट क्लियर। यस सर, स्टार्टिंग यस सर। भाई यही चीजें तो थी, ये पहले सर यहाँ फेस कर रही थी इस डायरेक्शन को, यहाँ से वन राइट टर्न लेती है, वन राइट टर्न वो भी हर लेफ्ट, यानी अपने लेफ्ट में वन राइट टर्न लेती है, यानी 90 का एंगल फॉर्म करेगी और यहाँ पे आ जाएगी सर, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, जिसमें कह रहे हैं लुक एट ईच फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहां पे कह रहे हैं सर व्हिच ऑफ दीज एंगल इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, व्हिच ऑफ दीज एंगल इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, तो आपको सर्च करना होगा। पहले चलिए हम इसमें देखते हैं कौन से एंगल ऑब्ट्यूस हैं, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, वन बाई वन करके ऑप्शंस को चेक करते हैं। एंगल बी ए सी, चलो बी ए सी चेक कर ले क्या है। सर बी ए सी यही तो है, बी ए सी क्या ये ऑब्ट्यूस है, क्या ये एंगल ऑब्ट्यूस है? नो सर, इट इज एंगल, ये जो एंगल बी ए सी फॉर्म हो रहा है ये एक्यूट एंगल है, ये नहीं होगा ऑब्ट्यूस। अगले एंगल को सर्च करते हैं, सी ए ई की बात कर रहे हैं, चलो सी ए ई को चेक कर लेते हैं कहाँ है सी। ये सर सी है और ये ए है और ये ई है, तो ये सर तो ये बिल्कुल नहीं है, सी ए ई तो आपका एक्यूट एंगल है ना सी। yes, बात करें चेक करते हैं ये भी। नेक्स्ट की बात करते हैं सर, बी ए डी कहाँ है, बी ए डी, हाँ सर ये जो एंगल है बी, दिस एंगल इज, ये सर पूरा एंगल हाँ फॉर्म हो रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल। यस बेटा, बी एंगल बी ए डी इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, तो आपका इसमें से व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, मींस करेक्ट मींस एंगल बी ए डी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, व्हिच ऑफ दीज एंगल इज एन एक्यूट एंगल। बेटा वन बाई वन करके यहाँ भी सर्च करना है कि इसमें से कौन से एक्यूट एंगल है। एंगल बी ए की बात कर लो, यस एंगल बी सर, एंगल बी ए। यस बेटा, तो बी ए आप यहाँ देख पा रहे हो जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस फिगर में, पॉइंट नंबर बी के लिए जो फिगर गिवन है ये, इसमें जो एंगल फॉर्म हो रहा है बी ए, यस दिस इज एन एक्यूट एंगल। ये क्या है सर, एक्यूट एंगल है, फॉर्म कर सकते हैं, इन्होंने से एक्यूट ही सर्च करने के लिए बोला था, तो इसको टिक कर लेंगे। यस सर। और ई ए सी की बात कर लो सर, ई ए सी कैसा एंगल है? अगर हम बात कर रहे हैं ई ए सी की, तो कौन सा किस टाइप का एंगल है ये?
राइट एंगल, कौन सा एंगल है? राइट एंगल। बताया करो तुरंत, राइट एंगल है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। बी ए सी की बात कर लो, सर ये ऑब्ट्यूस है। बी ए सी कैसा है? ऑब्ट्यूस है, हमें जो स्टार्टिंग में ही मिल गया था। ओके तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, स्कैनिंग प्रॉब्लम हुई यहाँ पे, थोड़ा उतना अच्छा स्कैन नहीं किया गया, सो प्रिंट क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, बट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पॉइंट नंबर सी में जो स्टेटमेंट है, व्हिच ऑफ दीज एंगल्स इज अ राइट एंगल, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, फिगर को थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ, ये आपका पॉइंट ए है, ये सी है, ये डी है, और ये क्या है, ये बी है आपका, और ये आपका है पॉइंट क्या, ई है। तो ये ऐसा फिगर को मैं, अब इस फिगर में करना क्या है, इन्होंने कहा सर व्हिच ऑफ दीज एंगल इज अ राइट एंगल, फर्स्ट वन इज एंगल ई सी बी, इन्होंने ई सी बी की बात किया है, तो ई सी बी हम सर्च करेंगे भाई कहाँ है, ई सी बी, ई सी, नो 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 नो, ई सी बी, क्या ये राइट एंगल फॉर्म हो रहा है? यस सर। यस बेटा, बिल्कुल, एंगल ई सी बी आप देखो एक 90 के एंगल पे, ठीक है, उनके बीच का एंगल जो है 90 का एंगल अप्रोक्स है, तो हम कह सकते हैं ये एक राइट एंगल है, तो इसी को टिक करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही टिक कर लेना है। अभी और भी एंगल्स की बात करें, बी सी ए कहाँ है सर, बी सी ए, तो बिल्कुल नहीं है सर, ये बी और ये सी ए नहीं है, ये तो क्यूट है, ए सी डी, ए सी डी सर ये ऑब्ट्यूस है, ये क्या है, ऑब्ट्यूस है, तो बातें हमें जो हमारे लिए रिक्वायर्ड थी वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, एंगल ए ई सी बी इज अ राइट एंगल, ओके इन दिस फिगर। नाउ पॉइंट नंबर डी, चलिए पॉइंट नंबर डी की बात करते हैं, व्हिच ऑफ दीज एंगल इज एन एक्यूट एंगल, तो बेटा एक्यूट फाइंड करना है, चलो हम देख लेते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सर्च करेंगे, एंगल ए डी सी यहाँ पे गिवन है, तो ये चेक करो ए डी सी कैसा है, सर ए ये है, डी ये है, और सॉरी और ए ये है, डी ये है, और सी ये है, तो ये सर 180 का एक लाइन फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पे पूरा एंगल बता रहे हैं सर, तो ये 180 का स्ट्रेट एंगल है, ये एक्यूट नहीं है। नेक्स्ट एंगल ए डी बी, चलो ए डी बी की बात कर लें, ए डी बी कैसा एंगल है, ये व्हिच टाइप ऑफ एंगल इज दिस, बेटा ये किस टाइप का एंगल है, एक्यूट है? नो सर, ये ऑब्ट्यूस है सर, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस, हमें बीडीसी की बात कर रहे थे ये, चलो हम बीडीसी देख लेते हैं, एंगल बीडीसी एक्यूट है, बी ये है सर, और डी यहाँ है सर, और सी यहाँ है, ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है ये कौन सा एंगल है, एंगल बीडीसी इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ओके यस सर, बात समझ में आई, यस सर, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट नंबर 9 की बात करेंगे बेटा, जिसमें कह रहे हैं ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक्स फॉर द गिवन टाइम्स, नाउ आइडेंटिफाई द एंगल्स मेड बाय द हैंड्स। देखिए इसमें टाइमिंग दी गई, इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसमें जो इसके हैंड्स हैं उनको ड्रॉ करने हैं, हैंड्स ऑफ द क्लॉक जो है उनको ड्रॉ करना है, तो ठीक है यहाँ पे टाइमिंग शो किया गया है 9 o'clock, बेटा ये 9 o'clock है, चलो 9 a.m. यानी मॉर्निंग टाइम का हो या उससे नहीं, मतलब 9 o'clock होना चाहिए,
तो 9 o'clock होने का मीन्स क्या हुआ, जो मिनट हैंड है वो एट 12 होना चाहिए और जो आपका आवर हैंड है वो एट 9 होना चाहिए, तभी तो 9 o'clock होगा। लेट्स से ये आपका यहाँ पे मिनट हैंड की बात करो तो एट 12, सर ये मिनट हैंड हो गया। अब हम बात करेंगे सर वो क्या हैगा, क्या बोलते हैं उसको, आवर हैंड। आवर हैंड ये सर 9 है यहाँ पे, आवर हैंड, आवर हैंड सर यहाँ पे होगा। क्लियर हो रहा है? यस बेटा, क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? यस सर। सर ये होगा। अब इन्होंने पूछा है एक चीज और पूछा, ये तो आपने ड्रॉ कर लिया, इन्होंने कहा नाउ आइडेंटिफाई द एंगल मेड बाय द हैंड्स, ये किस टाइप का एंगल फॉर्म हुआ है, इन हैंड्स के बिटवीन कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है ये भी बताना है। तो कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है इनके बीच में, एंगल कौन सा बन रहा है? राइट एंगल। आप देख पा रहे हो इनके बीच का एंगल, अगर हम बात करें तो सर 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है, ये राइट एंगल है, क्या होगा, राइट एंगल। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जिसमें दिया गया पॉइंट नंबर बी करके ऑप्शंस गिवन है, इसमें 12:10 PM मीन्स 10 past 12 PM शो करना है। तो ऐसे में आप जानते हो जो मिनट हैंड होगा वो कहाँ होगा, मिनट हैंड होगा आपका एट 2, बिकॉज 10 PM मीन्स 10 मिनट हमें शो करना है, इसमें 12 o'clock 10 minutes यही तो शो करना है। तो 10 मिनट्स को शो करने के लिए यहाँ पर जो मिनट हैंड होगा वो एट 2 होगा, यानी यहाँ से ये इस पे हो जाएगा सर यहाँ पे, ठीक है। आगे अब आवर हैंड जो होगा एट 12 भी कर लेंगे, एट 12 सर आपकी वॉइस कट कट के आ रही है, अप्रॉक्स थोड़ा सा टेंड होगा 12 से, लेकिन हम मान लेते हैं कि 12 पे ही होगा। अब इसके बीच का एंगल कितना होगा, एक्यूट एंगल, मतलब कितना नहीं होगा, कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है इनके बीच में, तो कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, एक्यूट, कौन सा एंगल है ये, एक्यूट, एक्यूट। अब बात आती है सर नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें हमें शो करना है 5 AM मॉर्निंग टाइम शो करना है, तो ठीक है। इसमें अगर हम टाइम शो करना चाह रहे हैं तो 5 AM सर इट मीन्स जो आपका मिनट हम होगा वो एट 12 हो जाएगा, और आपका आवर हैंड जो होगा 5 5 5 5। अब इनके बीच का एंगल फॉर्म कितना हो रहा है, कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल। अगर एंगल की बात करते हैं तो ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस। तो बातें ये क्लियर हो गई बेटा, आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, इसमें किसी को, यस सर। नाउ नेक्स्ट मेजरिंग एंड ड्राइंग एन एंगल यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर, बेटा आपको क्या करना है अभी, इस नेक्स्ट पॉइंट जो है टाइम ओवर हो रहा है, सो आज के लिए ये क्लास ओवर किया जाएगा, ठीक है, बिकॉज नहीं तो डिस्कस कर लें। इसमें क्या करें, जो पॉइंट है ये मैं इसको इन डिटेल नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा, चलिए थोड़ा सा इन शॉर्ट इसको बता दे रहा हूँ क्या है। मेजरिंग एंड ड्राइंग एन एंगल यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर, अब हम क्या करेंगे इस पॉइंट के थ्रू क्या सीखेंगे, अभी तक हमने टाइप ऑफ एंगल को आइडेंटिफाई करना सीखा, किस तरह से हम एंगल को, अगर ड्रॉन एंगल्स होते हैं तो उनको हम देखकर बता सकते हैं कौन से टाइप का एंगल है,
अब हम इस नेक्स्ट पॉइंट में, जो नेक्स्ट पॉइंट के थ्रू क्या सीखना हमें, मेजर करना और एंगल्स को ड्रा करना सीखेंगे हम बाय द प्रोटेक्टर और यूजिंग अ प्रोटेक्टर. ओके कट कट के आ रही, ऐसा है क्या? मेरी वॉइस नहीं क्लियर हो पा रही है. तो ठीक है, हम पॉइंट पे आते हैं. तो बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया, मतलब जो इससे पहले डिस्कस किया गया उसमें किसी प्रकार का डाउट तो नहीं है? नो सर. तो ओके बेटा, अभी टाइम ओवर हो रहा, सो नेक्स्ट पॉइंट जो आपका इन डिटेल ये नेक्स्ट क्लास में क्लियर किया जाएगा, आज के लिए क्लास यहीं पे ओवर किया जा रहा. ओके यस सर. गुड बाय एवरीवन. गुड बाय. गुड बाय बेटा. बाय.